Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. अभी हम लोग निकले हैं जी बनू बी पुलाव खाने। ये मलंग जान का बनू बी पुलाव बड़ी तारीफ सुनी है जी, लेकिन अभी जो पुरानी वाली दुकान थी वो हो चुकी है बंद इनकी। अभी हम लोग कोई नई दुकान की तरफ इनकी जा रहे, क्योंकि उनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फिर उन्होंने एक ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए थी जहाँ पर पार्किंग भी हो, तो हम पहले चले गए पुरानी दुकान की तरफ। अब हम जा रहे हैं जो उनकी नई दुकान है, नया आउटलेट जो है, तो ओरिजिनल आउटलेट ऑफ बनू बीफ पुलाव। मैंने वीडियोस में देखा था तो उस वक्त प्राइस चल रही थी बनू बीफ पुलाव की 600 रुपए किलो, लेकिन अब देखते हैं क्या प्राइस है। वो कह रहे हैं कि फाटक से वो करीब से इस तरह का रोड जाती है, इनको पैसों की टेंशन नहीं है, मैं हाँ बहुत है, सिर्फ प्यार चाहिए, खाना चाहिए, प्यार। घंटा हो गया हम लोग घूम रहे हैं इस रोड पे, सानू बनू मलंग जान बनू बीफ पुलाव नहीं लाभ रहा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर थे एंड में हम भूखे हैं, भूखे शेर बने हुए हम लोग का, शेर बने हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मुझे मलंग जान चाहिए, ये रिकमेंडेशन आई थी मंजर की तरफ से हमें, ही टोल्ड मी। फिर मैं जाके उसको यूट्यूब पे सर्च किया, पता चला वाकई बहुत मशहूर है। और जो मंजर का बेटा है शैबी, उसने दोबारा कहा था कि मेरे लिए वहाँ से बनू बी पुलाव लेके आए, लेकिन मंजर ने इनकार कर दिया क्योंकि जगह बहुत दूर है। लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा खाने में है, क्या इसकी बर्थ है। और ये भाईजान ने एकदम से गाड़ी निकाल ली है और हमारा त्राह निकल गया। ये साथ में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ट्रेन की पटरी है और बिल्कुल उसके उस साइड पर बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये आप देख सकते हैं कि आबादी किस लेवल से बढ़ी हुई है कि ट्रेन की पटरी भी आबादी के बीच में आ चुकी है। हाँ जी, है मेरे हिसाब से गैर कानूनी होगा सारी। हाँ लग रहा है, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन भी आ गई है, देखें जी। चलें जी, ये अल्लाह की करनी हुई, काश मैं एक सिल्वर सिटी में कनाल का प्लाट मांग लेता, लेकिन चले जो मांगा वो मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर ट्रेन आ रही हुई है, मलंग जाने में काफ़ी थोड़ा सा ख्वार किया, लेकिन चले कोई मसला नहीं। तो अब हम लोग इस वक्त जो है वो RHS मोड में आए हुए हैं, आपको वहाँ जाके ट्रू बताते हैं कि क्या टेस्ट है। 10 बजे तलाश साहब नंबर भी देंगे आगे। मंजर ने तो वो जो बैरिया में पुलाव खाया था बीफ पुलाव, उसने कहा था इसके मैं नंबर ही नहीं देना चाहता इसको, भूख भी लगी हुई। देखे इनके चेहरे से आपको नजर आ रहा होगा भुख, भुख ना बुरा असर होया पिया। हाँ क्लियर करवा रहे हैं, और ये इसी वजह से वो ब्लॉकेज हुई है, और इसी वजह से भी ट्रेन वगैरह भी डिले होती हैं। नहीं, ये रोड जो ब्लॉक हुई वो इसी के, हाँ फाटक बंद हुआ हुआ है, फाटक में होनी है ना। एग्जैक्टली यही बात है। और वो भी देखो कि मौके पे आई है ट्रेन, वो सामने चाय भी चल रही ट्रेन के अंदर, खिड़की में आप देख सकते हैं। टाटा करते हैं इनको हम लोग, भाई मैंने तो ऐसे ही कर रहा था, देखो उसे लव शो किया हमें, जिसे कहते हैं पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत से भरी भी भरपूर, आपके गले लग जाएंगे। चाय भी जा रही है देखें जी यहाँ पे, कैपेचिनो जू जू ट्रेन आगे गुजरती जा रही है, ट्रैफिक भी खुलती जा रही है। मलंग जान तो चंगा सानू फसाया, लेकिन चलो देखते हैं जाके क्या होता है आगे। ये देखें यहाँ पर जी शॉपिंग मॉल भी बने हुए सामने, ये सब खाड़ी है ये सब खाड़ी है जनाब, हाँ खाड़ी ताड़ी है। यहाँ पर अंडे वाला बर्गर भी लगा हुआ है, ये नहीं मूंगफली नहीं मैं खाता। ये देखें जी, ओहो कितना रश है भाई,
हाँ उन्होंने अभी नहीं रोकी ट्रेन। हाँ ये तो नस्वार भी तैयार हो रही है जी, ये देखें लाइव मछली। नहीं नहीं ये नहीं पूछना, वो मारेगा। पूछो कैसे किस तरह दी है मछली, मछली कैसे है। भाईजान हेलो भाईजान, ये मछली कैसे दी है, कौन सी मछली है, मिक्स पड़ा हुआ 300। रश इतना ज्यादा हो चुका है कि जो है ना वो गाड़ी निकालने का साफ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखें जी रक्षे वाला ऑपोजिट आ रहा है, वाह जी वाह। ये देखें क्या बात है तेरी भाई। फाइनली जी हम मलंगजान पहुंच चुके हैं, यहाँ पर इसकी पार्किंग है, तो यहाँ पर गाड़ी हम लोग खड़ी करेंगे और चेक करते हैं इसका बी प्लाव कैसा है। ये अंदर नहीं आ जाएगी, नहीं आएगी, ये अंदर कर दो, अंदर है जगह ना अंदर। ये बिल्कुल सामने मलंगजान बी प्लाव लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो आइए चलते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला असली है, ये भी कुछ तिक्के शिक्के हैं, ये देखना ना। ये तलासा वो पट्टा तिक्का, ये पट्टा तिक्का है, ये देखो वो जो चर्बी में लपेट के है। वही बैठ जाओ, चप्पल कबाब भी हैं। नीचे भी एक हॉल बना हुआ वहां पर करके, गुड़ वाले चावल है मेरे ख्याल से। ये क्या चीज है, ये गुड़ वाले चावल है, ये गुड़ वाले चावल है, और ये क्या है। अच्छा हलवा है ये, यहाँ पर चप्पल कबाब भी हैं। रायता करना है, सलाद भी कर दो, या फिर इनका मेन्यू देख सकते हैं। चप्पल को आप दिस इज द मेन्यू। इनका नंबर भी है यहाँ पे, चलो ये पता लग जाता है ना क्या चीज़ है ये भी। तुमने तो असल तो वो पुलाव मंगवाया ही नहीं वो। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बीफ पुलाव की किलो की जो प्राइस है 560 है, और आधा किलो की 280 है। तो अभी हमने फिलहाल 280 वाला मंगवाया, और मिस्टर तलाल ने जो है वो चपली कबाब मंगाया अंडे वाला। तो लेट्स सी कैसा जायका है, अभी आप लोगों को बताते हैं। फाइनली जी हमारा ये खाना आ चुका है, ये है जी बनू बीफ पुलाव, और साथ में इसके है जी ये दो चप्पल कबाब आए हैं। रंग इनका काफ़ी काला है लेकिन देखने में ठीक लग रहे हैं, और ये कप भी आप इनके देख सकते हैं, ये स्टील के कप हैं, वाइन ग्लास जिनको हम कहते हैं, लेकिन ये स्टील के हैं पाकिस्तान में। कैसा है जी बताओ खा के, अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बनू भी पुलाव मैंने अभी टेस्ट किया, मेरे हिसाब से इसको 10 में से 6 नंबर काफ़ी होंगे, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिसको आप कह सकें जी मज़ा आ गया तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं पुलाव ही है ये सादा,
और जो ये आपके चप्पल कबाब है ये भी बस ठीक है, इसको मैं 5 या 6 नंबर से ज़्यादा नहीं दूंगा, मतलब जिस तरह हाइप बनी हुई थी इसकी। आप क्या कहते हैं? हाँ वो सिर्फ हाइप ही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं है कि आपको जी बड़ा मज़ा आ गया जी, ये हो गया वो हो गया। बाकी आप ये देख सकते हैं ये मसाले बड़े माइल्ड किस्म के हैं, लेकिन ये जो गोश्त है बहुत ज़्यादा नरम है, जो कि मज़ा करवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यार ये डाइट आपको कहा था, डाइट सेवन अप लेके आनी है, रहता भी ब्रेक हो चुका हमारा सारा। चावलों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन टेस्ट ये कि बिल्कुल माइल्ड है। ये पका हुआ है बेसिकली गोश्त की यखनी में, लेकिन अगर आप मसाले वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चावल आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी लंबे चावल हैं, काफ़ी अच्छे चावल हैं, लेकिन बिल्कुल माइल्ड है ये पुलाव जो है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डले हुए, कुछ इस तरह की खानी नहीं है बीच में। ऐसी चीज़ें इसको कह सकते कि आप बार बार आएँ, बस ठीक है, एक दफ़ा हो गया। हाँ ऑन द वे वाला साहब है, स्पेशली आने वाला साहब नहीं यहाँ पर। साहब में मैंने थोड़ी सी चटनी ऐड की है, रहता था जो है, लेकिन बिल्कुल माइल्ड है ये। अगर आपको अफगानी खाने का शौक़ है या पिशावर के खाने का शौक़ है, फिर आपके लिए ठीक है। हम क्योंकि मसाला खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, उसके हिसाब से ये इतना मसाले वाला नहीं है। अभी मैंने एक और प्लेट ऑर्डर की है बनू बी पुलाव की, साथ में हलवा ऑर्डर किया है। हलवे की भी कोई क्वालिटी मुझे कोई क्वालिटी वो लग नहीं रही, बस गुजारा ही है। बाकी ये ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आप लोग बार बार आएँ, बस एक दो आपने खा लिया तो इट्स मोर देन इनफ। तो हलवा आप लोगों को चेक करा दूँ, ऐसे लग रहा है जिस तरह डब रोटी का हलवा होता है ये, या तो पका के ये इतना पकाया हुआ है। सूजी का हलवा तो नहीं ऐसा होता, ये ला जाने किस चीज़ का हलवा है, ऐसे फील आ रही है रबड़ हो ये। चलो भाई लाओ जी, गौरी आया था। खाना मारा डन हो चुका है, और मिस्टर तलाल ने अपने लिए जो चपड़े का मंगाया था वो आधा पार्सल करवा दिया, ये पड़ा हुआ है वो। अब हम लोग जाते हैं वापस। तो मेरी तरफ से बनू बीफ और राव के लिए तकरीबन 10 में से 5 नंबर मोर देन इनफ होंगे। दोबारा इस वजह से मंगाया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हलवा भी जो था वो बस किसी काम का नहीं था। तो आपके क्या फाइनल थाट्स हैं इसके बारे में? ये जी बनू भी पुलाव का सिटिंग एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर मस्जिद की जगह बनाई हुई इन्होंने, और ये सारा सिटिंग एरिया इस वाली साइड पर। अच्छा ये साजिद भाई हमें मिले हैं, ये मुझसे पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने उनको भी नाम लिखवाया। तो आप भी ब्लॉग में आ गए हैं अब, तो कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं आप? मैं 3 महीने से। अच्छा अच्छा, नहीं अभी हमने टेस्ट किया, अच्छा है काफ़ी टेस्ट, और बहुत शुक्रिया। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये है जी मेरे चैनल का, ये बना हुआ सही ये पार्क टेबल, ये मेरी शक्ल है ऊपर, और ये झांसा बना हुआ है बिल्कुल ठीक है ना, ये है सारा पार्क ट्रैवल नाम। हाँ पार्क ट्रैवल के नाम है चैनल का ये सारे, काफ़ी ज़्यादा हाँ काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ है इसमें, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ हमने ट्रैवल किया है ना वहाँ की वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं। अच्छा था लेकिन बहुत ज़्यादा, इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एक दफ़ा खाया जा सकता है ज़रूर। तो बिल मैं अभी पूछता हूँ कितना बना है, बिल कितना बना टोटल? 1500 का जी बिल बना हमारा, जिसमें 2 चप्पल कबाब थे और साथ में 2 प्लेटें थी चावलों की, और एक प्लेट थी 130 का हलवा था हमारा। बाकी यह कि पानी की बोतलें थी, और बाद में तलाल साहब ने चाय भी पी है। तो अभी हम लोग कहाँ जाने लगे हैं भाई? मरी यहाँ से हम लोग वापस निकलने लगे हैं, और ये मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर पार्किंग फीस भी है शायद नहीं, नहीं है। हाँ कोई नहीं है,
तो यहाँ से हमारी वापसी होगी। यहाँ से हम लोगों ने सीधे जाना यू टर्न के लिए, लेकिन ये बड़ी मेन ट्रैफिक आ रही है तो इस वजह से हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो ये था जी आज का रिव्यू मलंग जान बनू बीफ पुलाव का, और मैंने बिल्कुल ट्रू रिव्यूज़ दिए हैं, और मेरा जो टेस्ट बड्स थी वो ये कह रही थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मसाला खाने वाले लोग हैं जिसमें मिर्च मसाला हो, तो मेरे हिसाब से 6 out of 10 थे, और हलवे के मैं आपको कहूँगा कि 3-4 नंबर दे ही दें हलवे के, हलवा को इतने मज़े का नहीं था। बाकी जो चप्पल कबाब थे वो भी आप 5 या 6 दे सकते हैं उसको, बस आई पी थी जी। तो लाल कह रहे हैं डिसअपॉइंटिंग था, और आपको टेस्ट तो आएगा ही नहीं ना चप्पल कबाब में, मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं था बिल्कुल भी। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस पिंडी, और ये हम लोग मेन इधर जीटी रोड पे हैं अभी। इस वक्त हम लोग कायदे आजम हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं, और लाइटें इस वजह से आप लोग नजर आ रही होगी, उन्होंने लगाई हुई क्योंकि उनकी 10th एनिवर्सरी है, 10 साल हो गए इस हॉस्पिटल को। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of fire.